हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाई आई ज्वाइन कॉग्निजेंट, क्योंकि मेरे पास और भी ऑफर लेटर था, मैं जैसे TCS का था, इंफोसिस का था, विप्रो का था, फिर भी मैंने कॉग्निजेंट ही क्यों चूज किया। इसके पीछे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि अपने कॉग्निजेंट ही क्यों ज्वाइन किया, TCS उससे अच्छा था, TCS क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो इसी सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या बेनिफिट्स देखे कॉग्निजेंट, या फिर क्या क्या मुझे अच्छा नहीं लगा TCS का, या फिर विप्रो का, इंफोसिस का, तो वो सारा मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विप्रो का। विप्रो में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, विप्रो बिल्ड पे मेरा विप्रो वेज में हुआ था, जो कि पाइथन स्ट्रीम मिला था, काफ़ी अच्छा था और वेज प्रोग्राम था। तो यह हो गया विप्रो एकेडमी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। विम्स अधिकतर मिलता है BCA ग्रेजुएट का, बट मुझे वेज मिला था। अब रेंडमली मिला था या मैं लक्की था, पता नहीं क्यों मुझे बट मिला था। यहाँ पे जो PJP होता है, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम, वो मैंने कंप्लीट भी यहाँ पे किया था। उसके बाद मुझे यहाँ रिजेक्शन मिल गया था, क्योंकि मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से अपना BCA जो था वो कंप्लीट किया था। तो यही था इसका रीज़न मुझे विप्रो से अलग होने का। और यहाँ पे उसका आप डिटेल्स में कुछ कुछ दिखा देता हूँ, आपका फर्स्ट ईयर का ये 15K है और कुछ कुछ ज्वाइनिंग बोनस भी है, बट ये 15K आपका ग्रोस सैलरी माना जाता है। आपका इन हैंड लगभग 12K के आसपास आपको मिलेगा, 12K समथिंग मिलता है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का ये आपका हो गया सैलरी। और नेक्स्ट आपका जो MTech डिग्री है वो फुल्ली स्पॉन्सर्ड करती है विप्रो, जो कि आपको बीट्स प्लानिंग से करती है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ एक निगेटिव जो होता है, आपको 5 ईयर का बॉन्ड रहेगा, वो आपको पूरा करना पड़ेगा 5 ईयर अगर ज्वाइन करते हैं तो। अगर उससे पहले छोड़ना चाहते हैं तो आपको 75,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक निगेटिव बात है और पॉजिटिव बात ये है, क्या जैसे कि आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको MTech डिग्री मिल रहा। अगर आप अनदर कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 5 ईयर में आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, अगर आपके पास स्किल्स है तो। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि आप इसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है उस पर। और मैं इस पर डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, वेज क्या है, प्रोग्राम विम्स क्या है, क्या क्या डोमेन्स होते हैं, वो आप विप्रो के प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये था रिजेक्शन का मेरा पहला रीज़न। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इन्फोसिस का, जो मुझे ऑफर लेटर मिला था उसके जो रिजेक्शन के 1 मंथ बाद मुझे मिला था, ये ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का मिला था, जिसमें कि मैंने काफ़ी सर्च किया, क्योंकि मैंने ऑफ़र लेटर पे, क्योंकि मेरे ऑफ़र लेटर पे कहीं मेंशन नहीं था कि मेरा जॉब रोल क्या होगा, सिर्फ ऑफ़र लेटर था, क्योंकि ऑफ़र लेटर पे मेंशन रहना चाहिए बट नहीं था। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किए और एक दो सीनियर से लिंक्डइन पे, क्वेरा पे भी मैंने सर्च किया और लिंक्डइन पे भी पूछा एक दो से बात करके क्या क्या मुझे रोल मिल सकता। तो सब जगह से मुझे निगेटिव रिव्यू ही मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि पहले तो सपोर्ट रोल मिलेगा, सपोर्ट रोल Level 1, Level 2 और Level 3 का होता है। तो Level 1 में आपका वही कॉल या चैट प्रोसेस का जो भी होता है, Level 2 में आपका टेक्निकल वर्क होगा, Level 3 में डेवलपमेंट में कुछ कुछ इशू है तो वो आप सॉल्व कीजिएगा। यह हुआ टेक्निकल सपोर्ट में अगर आपको देता है तो। और अधिकतर आपका टेस्टिंग रोल ही मिलता है, और रेयर केस में आपको डेवलपमेंट रोल मिलेगा OE के लिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट रोल SE के लिए होता है, सिस्टम इंजीनियर के लिए। तो ये मुझे काफ़ी निगेटिव लगा, और काफ़ी निगेटिव रिव्यू भी था कि आपको रेंडमली किसी भी प्रोजेक्ट में असाइन किया जाएगा, आप डिपेंड नहीं कर सकते कि मुझे कौन सा रोल दिया जाएगा। ये भी मुझे काफ़ी ख़राब लगा वहाँ का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद गूगल करके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रिव्यू पढ़ सकते हैं ग्लास डोर से, या फिर बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे उसका जो एम्प्लॉय है वो खुद रिव्यू करता है। क्वेरा पे भी आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी के लिए रोल के लिए क्या कैंडिडेट ठीक है या नहीं, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सैलरी जो था, ग्रोथ सैलरी, वो 18K समथिंग था। और यहाँ पे भी आपको बोन देखने को मिलेगा, 1 ईयर का सर्विस एग्रीमेंट। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे होल्ड करके इसको रखा था, मैंने डायरेक्ट ना नहीं बोला था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई और ऑफर लेटर नहीं था, मैंने होल्ड करके इसको रखा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं TCS का। TCS में जो था वो TCS स्मार्ट हायरिंग जो हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और ऑफर लेटर पे जो रोल मेंशन था वो IoT स्ट्रीम दिया हुआ था। और यहाँ पे सैलरी भी कुछ खास नहीं था, 15K आपको ग्रोथ सैलरी था, 1.95 LPCTC था। और यहाँ पे कुछ वेरिएबल आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, अगर वर्क फ्रॉम होम तो इंटरनेट अलाउंस भी मिलेगा। तो हाँ, सैलरी तो ठीक ठाक था, और TCS आपको पता है काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट मैंने जब पूछा एक दो से सीनियर से बात करके, और TCS हमारे बिहार में भी है, पटना में, तो मैंने बात करके देखा तो वो बोले नहीं, अभी तुम एज ए फ्रेशर BCA किए हो, MCA कर रहे हो, तो एज ए फ्रेशर मत ज्वाइन करो अभी, क्योंकि तुमको अच्छा हाइक नहीं मिलेगा, काफ़ी वर्क भी करना पड़ेगा। अभी तुमको ये स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कुछ वर्क करो, वहाँ से फिर
थ्री या फोर ईयर का एक्सपीरियंस लो, फिर तुम्हारा एमसीए भी तब तक क्लियर हो जाएगा, फिर ज्वाइन करो, तुमको अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब रोल सब कुछ मिलेगा टीसीएस में, फिर तुम इसमें परस्यूइंग आगे कर सकते हो। और यहाँ पर आपको टीसीएस में पता है कि अगर आप एक बार छोड़ देते हैं तो फिर आपको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी। और टीसीएस अपने घर की कंपनी है, तो कोई भी चाहेगा अगर आईटी सेक्टर में उसको काफ़ी लंबे समय तक रहना है तो वो चाहेगा कि मुझे टीसीएस से अगर रिटायरमेंट मिले तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये सारा सोच करके मैंने यहाँ भी होल्ड करके रखा था, ना नहीं बोला था। अब मेरे पास दो ऑफर लेटर हो गया था, एक इन्फोसिस का और एक टीसीएस का। तो इसमें भी एक एग्रीमेंट था, वन ईयर का आपका सर्विस एग्रीमेंट था, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मुझे मिला था वो मिला था कॉग्निजेंट का एज ए प्रोग्रामर ट्रेनिंग। उसकी नेक्स्ट टीसीएस का मिला था, उसके एक वीक के बाद ही मुझे प्रोग्रामर ट्रेनिंग का मिल गया था। और इसमें मुझे असाइन किया गया था एडीएम में, ये आपका जब ज्वाइन कीजिएगा तब पता चलता, उससे पहले नहीं पता चलेगा। आपका एडीएम डोमेन है या क्यू ई है, बहुत सारा है डोमेन, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो इस पर बना चुका हूँ, आप कॉग्निजेंट प्लेलिस्ट में जाके सारा डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे एडीएम डोमेन में रखा गया, जहाँ पे सैलरी आपका जो है 15K इन है, नेट सैलरी में बता रहा हूँ, जबकि मेंशन यहाँ पर रहता है 2.52 का आपका सीटीसी रहेगा, तो क्या क्या है आपका पीएफ में या फिर रिटायरमेंट में क्या क्या जाता है वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा वो सब लेने में। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा ये बात कि प्रोग्रामर ट्रेनी है, अब मेरा डेवलपमेंट रोल मिलेगा, लेकिन ये भी मैं कंफर्म नहीं था क्योंकि टेस्टिंग का भी बहुत मिल चुका था। बट मैंने सोचा हाँ चलो कॉग्निजेंट है तो टीसीएस ने ज्वाइन करना, इन्फोसिस ने ज्वाइन करना, तो कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो सारे जो ऑफर लेटर मुझे मिले थे मैंने टीसीएस को बोल दिया कि मुझे हायर एजुकेशन करना है तो अभी मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, सेम टू सेम वही मैंने इन्फोसिस को भी बोल दिया और मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लिया। तो अभी लास्ट में 6 मंथ से कॉग्निजेंट में वर्क कर रहा हूँ और मुझे डेवलपमेंट रोल में ही रखा गया है, रियल प्रोजेक्ट में ही। तो ये काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। और यहाँ पे कोई सर्विस एग्रीमेंट भी नहीं था कि आपको कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं करना, जब मन आपका चाहे छोड़ के जा सकते हैं, बट हाँ आप 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड में रखिएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, आपका जो स्किल्स है वो देखा जाएगा, आप कैसा काम कर रहे हैं रियल प्रोजेक्ट में या फिर ट्रेनिंग में, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोविजन पीरियड एंड होता है, उसके बाद आपका ग्रोथ भी होता है। ऑलरेडी मैंने ग्रोथ पर काफ़ी वीडियो बना चुका है, आप वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको यूडेमी का एक्सेस है फुल्ली मिलेगा, आपको कोई भी कोर्स फ्री में कर सकते हैं। आपको यूडेमी के बारे में पता ही होगा काफ़ी कॉस्टली कोर्स वहाँ पे मिलता है, तो वो सारा कोर्स आपको फ्री मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से आप कोर्स कीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए पूरा, सर्टिफिकेशन करने के बाद आप कॉग्निजेंट में सर्टिफिकेशन नहीं देखती कॉग्निजेंट, ठीक, आपका स्किल्स देखेगी, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताइए कि हाँ मुझे ये सब स्किल्स है मेरे पास, तो आपका एक इंटरव्यू लेगा, फिर आपका डोमेन चेंज करना या टेक्नोलॉजी स्विच करना, तो वहाँ से आप स्विच करने में काफ़ी आपको आसानी होगी। इसमें क्या होगा, लेकिन हाँ आपको वर्क के साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो ये एक अलग बात हो गई। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अल्सो प्रोवाइड मेनी ई लर्निंग, और कॉग्निजेंट का खुद का ई लर्निंग पोर्टल जहाँ पे आपको वहाँ बहुत सारा कोर्स मिलेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डिजिटल का, आपका बिजनेस का, बहुत सारा कोर्स आपको मिलेगा। और यहाँ पे किसी से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे इनरोल करना है, ठीक है, आपका जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी कुछ भी, आप उसमें इनरोल कर लीजिए, आप कोर्स कीजिए, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है कोई रोक नहीं है कॉग्निजेंट की तरफ से, आपको जो सीखना है सीख सकते हैं, बट हाँ जो आपको वर्क है वो कीजिए। और साथ ही साथ वर्क में सैटरडे संडे आपका हॉलीडे रहता है, तो वीक में सिर्फ आपको 5 डे ही वर्क करना पड़ेगा, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारा ही था प्रोसेस जो मैंने कॉग्निजेंट किया था ज्वाइन। और यहाँ वेल कल्चर वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपको वर्किंग, जैसे कि छुट्टी मैंने बोला कि आपका सैटरडे संडे रहता है और आपका काम भी ज़्यादा नहीं रहता, 8 से 9 घंटा का पर डे रहता है, और वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो काफ़ी अच्छा, घर से कीजिए काम या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा एंड टेलीग्राम मेंशन है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, फ्री हैं।